हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा HDFC बैंक में अपना क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया है और आपको इंस्टा क्रेडिट कार्ड मिल गया है HDFC का, तो आप उसे मैं अपना कार्ड को कैसे एक्टिव करोगे ऑनलाइन ई कॉमर्स के लिए और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, और पिन कैसे सेट करेंगे। तो मैंने पिछले दो वीडियो बनाए थे जिसमें आपको बताया था कि कार्ड कैसे अप्लाई करना है और आपको अब उसका इंस्टा कार्ड कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको HDFC का माय कार्ड को ओपन कर देना है। तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा माय कार्ड HDFC, इसको आप क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। मोबाइल नंबर वही एंटर करना है जो आपके क्रेडिट कार्ड से लिंक है या क्रेडिट कार्ड बनवाते टाइम में जो आपने दिया था उसके, उसमें एक OTP आएगा। OTP को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे माय कार्ड की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए पूछेगा। ऐड नाउ पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे क्रॉस के निशान पे क्लिक करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, बाद में आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कार्ड कंट्रोल का बोला जाएगा कि आप यहाँ पे ऑनलाइन स्पेंड टैप एंड पे को यूज करना चाहते हो, तो ऑनलाइन स्पेंड पे मैंने क्लिक कर दिया है। टैप एंड पे को मैं अनक्लिक रखता हूँ क्योंकि मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है। टैप एंड पे वो होता है जिसमें आप 5000 रुपये तक बिना पिन के ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वो होता है जो ऑनलाइन के थ्रू OTP डाल के यहाँ पर किया जाता है। और मर्चेंट आउटलेट पे आप अगर ट्रांजेक्शन करना चाहते हो POS मशीन के थ्रू मर्चेंट में, तो आप यहाँ पर टिक कर देना। तो अगर शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। ATM विड्रॉल अगर आप करना चाहते हो उस कार्ड से तो टिक कर सकते हो, वरना इसको अनटिक कर सकते हो। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा, तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन स्पेंड की जो मेरी लिमिट है कार्ड लिमिट वो मैं सेट कर देता हूँ कि कितना तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करूँ। ये ज़रूरी है अगर आपके साथ क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड होता है और आपने ये कर रखा है आपकी लिमिट से, आपके जितना ज़रूरत है उतना, तो उतना ही आपके साथ फ्रॉड होगा और उतना बाकी का पैसा बच जाएगा। वैसे फ्रॉड आपके जानकारी अगर आप देते हो तभी होता है। तो यहाँ पे मैंने 40000 का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की लिमिट सेट कर दी है और टैप एंड पे को कैंसिल रखा, मर्चेंट आउटलेट पे लिमिट सेट कर देता हूँ। उसके बाद में मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। तो ATM विड्रॉल को मैंने अनटिक कर दिया, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मुझे करना नहीं है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में अगर ऑनलाइन स्पेंड करना है तो टिक करूँगा, टैप एंड पे करना है तो टिक करूँगा, तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पूरा मेरे बंद है। उसके बाद में एक OTP आएगा सेव करने पर, उस OTP को एंटर करेंगे तभी हमारा जो ये मॉडिफिकेशन है वो होगा। तो मैंने OTP को एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद में यहाँ पर बताया जा रहा है कि मॉडिफिकेशन हो गया है। उसके बाद में यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो हमें वो लिमिट जो हमने सेट की थी वो बताने लगा और कौन कौन सा हमने ऑन और ऑफ किया है वो सारा बताने लगा। उसके बाद में आपको कार्ड का एक पिन भी सेट करना होगा। पिन सेट करने के लिए सेट पिन पर क्लिक करेंगे और आपका न्यू पिन और उसी पिन को फिर से री एंटर करेंगे, और आपके कार्ड पे जो एक्सपायरी डेट और ईयर है वो एंटर करने के बाद में CVV एंटर करने के बाद में आई नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा, OTP को एंटर करेंगे तो कार्ड का पिन भी सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। ये चीज़ आपको करना ज़रूरी है अगर HDFC का क्रेडिट कार्ड आपके पास आ जाता है। उसके बाद में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।